अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रजा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ट्यूटोरियल कंपनी। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है जो कि YouTube की एक नई पॉलिसी आई है, CPPA यानी चिल्ड्रंस प्राइवेट पॉलिसी एक्ट के हिसाब से। तो इसको कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से आप अपने चैनल को उस पॉलिसी के मुताबिक बनाना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये CPPA है क्या? आप लोगों को यहाँ पर अपने चैनल पे एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि ऑल क्रिएटर्स आर ऑब्लिगेटेड टू टेक एक्शन टू कंप्लाई विद द चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट एंड अदर लॉज। दोस्तों, आपको ये बताना है YouTube को कि आपका चैनल अडल्ट लोगों के लिए है या फिर बच्चों के लिए है। अगर आप 18 प्लस के बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, मतलब बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर आपने कार्टून वगैरह या इस तरीके से वीडियोस बनाई हैं जिन्हें बच्चों को कुछ तरबियत दी जा रही है या बच्चों के लिए कुछ आपने वीडियोस बनाई हैं, तो उसको आपने बताना है कि ये वीडियो बच्चों के लिए है। तो ये सब आपने कैसे करना है, मुझे एक सवाल आया था कि इसकी सेटिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है सिलेक्ट चैनल सेटिंग्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी उस जगह पर पहुँच जाएंगे। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने डिसमिस कर दिया है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, यहाँ से आपने जाना है चैनल में, यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। ये आपके पूरे चैनल के लिए है। अगर तो आपका चैनल ऐसा है कि उसमें आपने बच्चों के लिए भी कार्टून भी डाले हुए हैं और बड़ों के लिए वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आई वांट टू रिव्यू दी सेटिंग ऑफ एवरी वीडियो। इसका मतलब ये होगा कि आप हर वीडियो को अपलोड करते वक्त उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि ये वीडियो बच्चों के लिए है या ये बड़ों के लिए है। दूसरा ऑप्शन इसमें जो सेंटर में है, नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड। ये इसलिए ऑप्शन है कि आप ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है या आपका चैनल बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है, यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके चैनल में पड़ी हुई सारी वीडियोस बच्चों के लिए है। दोस्तों, यहाँ से अगर आपका चैनल मिक्स है तो इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारा चैनल जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, तो फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वाले जो चैनल्स हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। अगर वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसमें ये होगा कि आपकी जो एड्स हैं वो बहुत कम आया करेंगी। तो मैं यहाँ पर फिलहाल आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके दिखाऊँगा जिसमें दोनों ऑप्शन मौजूद है कि जी मैं अपनी वीडियो को वन बाय वन खुद से सिलेक्ट करूंगा। तो ये कैसे होगा, अब यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एक वीडियो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने नीचे आना है सेटिंग के अंदर। यहाँ पर ये देखिए, चूंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया था वहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे खुद सिलेक्ट करना होगा। हर वीडियो के अंदर जाकर आपको सेट करना होगा। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तब भी ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसमें भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चूँकि मेरा ये चैनल इस्लामी टॉपिक पे है, रिलीजन के ऊपर है, तो मैं इसको नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, के बच्चों के लिए नहीं है, तो जाहिर है कि मैं यहाँ पर जाऊँगा और चैनल की जो सेटिंग है, एडवांस सेटिंग में जाके सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, इसको सेव कर दूँगा। ऑटोमेटिकली मेरे चैनल की सभी वीडियोस पे नो का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये पहली वीडियो पे मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं जाता हूँ दूसरी वीडियोस पे, बैक करता हूँ, यहाँ से मैंने इस वीडियो को एडिट करना है और थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इस पर जो है सिलेक्ट हो चुका है कि ये जो है बच्चों के लिए नहीं है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पॉलिसी को जो है वो YouTube वाले 10 दिसंबर को लागू कर देंगे आपके चैनल पर, फिर वो देखेंगे। अगर आपने गड़बड़ की हुई कि वीडियो जो है वो बच्चे के लिए है और आपने नो लगाया हुआ है, तो आपके चैनल को ख़तरा है, आपकी वीडियो भी जा सकती है और आपका चैनल भी सस्पेंड हो सकता है। तो इसके लिए मुहतात रहें और इनकी पॉलिसी के मुताबिक ही अपने चैनल पर काम करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिनको पता नहीं है उनको भी पता चल जाए। और आप मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।